साथ मचाओ बवाल सिर्फ पोगो यूट्यूब चैनल पर। पापा और सेक्रेटरी का झगड़ा। मेरी कार ठोक दी। मैं पुलिस को बुलाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं आपको। अरे बीच में आप आए हैं, आपने मेरी कार ठोकी है। और किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है। पार्किंग जगह को पहले मैंने देखा था। अरे मैं सारा दिन सोसाइटी को देखता रहता हूँ। अब क्या सोसाइटी मेरी हो जाएगी? हसमुख तुम बीच में मत बोलो। क्यों नहीं बोलेंगे? हसमुख मेरे दोस्त हैं, ये जरूर बोलेंगे। गलती आपकी है। तो फिर हम भी बोलेंगे। सेक्रेटरी साहब हमारे भी तो दोस्त हैं। सोई कहाँ? ये हमारे सोसाइटी का हेड है। तमीज से बात करो इनसे। मैं बात करूंगी तमीज से। कहाँ है तमीज? जब देखो सेक्रेटरी अपनी मनमानी करते रहते हैं। मैंने तो सही है, तुम झूठ बोल रहे हो। आज के बाद आपकी और मेरी दोस्ती खत्म। मुझे भी नहीं चाहिए आपकी दोस्ती। और इस बेइज्जती का बदला ना लेकर आऊंगा। हमारे घर भी मत आना, कोई जरूरत नहीं है। चलो। अरे सोसाइटी तो दो हिस्सों में बट गई, अब मैं किसके साथ जाऊं? मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ गन्ना के घर। टीटू अब तुम सोसाइटी में किसी के साथ नहीं खेलोगे। क्या? लेकिन मम्मी लड़ाई पापा की हुई है, मेरी नहीं। देखो मुझे ऐसी वैसी मम्मी समझने की भूल मत करना। ये बैट बॉल भी पापा ने दिलाया है ना। अरे अरे मम्मी मैं तो मजाक कर रहा था। गोलू भैया हमारे मम्मी पापा की लड़ाई में हमारा खेलना बंद हो गया है, ऐसा कब तक चलेगा? टीटू चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो कैसे? आई एम टीटूज बिग ब्रदर, मुझे मालूम है तुम सब ठीक कर दोगे। सही कहा, अब मुझे ही बिना आलू का समोसा बनाना पड़ेगा। 3, 2, 1 गो। अरे ये बच्चों को क्या हो गया? और सोसाइटी में दंगा? और किसने किया ये पंगा? बंद करो ये लड़ना झगड़ना। पापा पकड़ो मुझे वरना मैं शेरा को छोड़ूंगा नहीं। हमला। ओए तुम लोग शांत हो जाओ। पर कोई तो बताओ कि लड़ाई क्यों कर रहे हो? पापा इसने मेरी साइकिल को हटाकर अपनी साइकिल लगाकर पार्क कर दी। बेटा इतनी छोटी सी बात के लिए फाइट नहीं करते। अरे आप भी तो छोटी छोटी बात के लिए फाइट करते हो। मैं भी आपका ही बेटा हूँ, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं बदला लेकर रहूंगा। अरे बेटा ऐसे नहीं बोलते, सेक्रेटरी अंकल तो बहुत अच्छे हैं। याद है तुम्हें बुखार हुआ था तो सबसे पहले कार लेके सेक्रेटरी अंकल ही आए थे। मैं भूल गया लेकिन आपको याद है। पापा आधे मेरे दोस्त हैं और आधे इस टीटू के। मैं इस टीटू को नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे छोड़ दो बस। नहीं नहीं शेरा बेटा ऐसा नहीं कहते, अंकल बहुत अच्छे हैं। याद है जब बचपन में तुम मॉल में गुम हो गए थे, अंकल ने खोज के निकाला था। हाँ? मैं भूल गया था लेकिन आपको याद है। बेटा ये सोसाइटी एक फैमिली है और फैमिली में तो छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं, इसका मतलब प्यार थोड़ी कम होगा। तो फिर आप क्यों लड़ रहे हो? बात तो सही है, मैंने एक छोटी सी पार्किंग के लिए अपने बड़े भाई से लड़ाई की। सेक्रेटरी भैया और टीटू के पापा और मेरे भैया और मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। ओ, कोई बात नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। भाई हमारी दोस्ती तो हो गई, अब चलो तुम लोग भी दोस्त बन जाओ। नहीं, दोस्ती वो करते हैं जिनका झगड़ा हुआ होता है। मतलब ये सब ड्रामा था? मैं हर जवाब का सवाल हूँ।
बच्चा था बवाल। बवाल मचाने के लिए करो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।